सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 29 नगर आयोजन प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय जी, मैं सबसे पहले डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की मेरे क्षेत्र की बात करूंगा कि डूंगरपुर शहर में गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत होती है, पहाड़ी एरिया है, आदि पूरी बस्ती पहाड़ी पर बसी है, वहाँ पर पानी सही तरीके से पहुँचता नहीं है। घाटी मोहल्ला है, राजपुर है, शिवाजी नगर है और शास्त्री कॉलोनी है, ऐसी जगह वहाँ पर कभी तो नल भी आधा घंटा मुश्किल से आता है, कभी दो दो दिन में पानी मिलता है लोगों को, तो पानी की बहुत समस्या है वहाँ पर। मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक पहाड़ी पर नई बड़ी टंकी बनाई जाए और लोगों को पानी से राहत दी जाए, ये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। दूसरी बात, सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो नाना भाई पार्क जो बना हुआ है, वहां पर गांव से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, पहले वहां पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी सभापति की मनमर्जी से, नगर परिषद की मनमर्जी से उन गरीबों से 10 रुपए की टिकट ली जाती है। वो हॉस्पिटल में आते हैं, कुछ भी काम के लिए तहसील में आते हैं, वो मुख्यालय पड़ता है, फिर भी उनसे जबरदस्ती आदिवासी गरीबों से 10-10 रुपए टिकट के रूप में वसूला जा रहा है। सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि जो ये लूटमार भ्रष्टाचार कर रखा है, उसको ये टिकट व्यवस्था है, उसको बंद कर दीजिए। दूसरी बात, जो गांवों से लोग आते हैं, सब्जी बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ पैसा 100-200 रुपए कमा लेते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, जो वहां पर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा उनको वहां से रोड के साइड में से नहीं बैठने नहीं दिया जाता, उनको हटा दिया जाता है, या तो उनसे कमीशन लिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, वह बरसों से लोग बैठे हुए हैं, गरीब हर वर्ग का बैठा हुआ है वहां, कोई ठेला लगाकर धंधा कर रहा है, कोई चाय की लारी कर रहा है, कोई कपड़ों की लारी कर रहा है, तो उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है। नगर परिषद ने इतनी मनमानी कर रखी है तो गरीबों का शोषण हो रहा है, और नगर परिषद ने अपनी मनमर्जी से जो केबिन का वितरण कर रहे हैं, एक केबिन का कम से कम उसको डिपॉजिट भरना पड़ेगा 1-2 लाख रुपए, तो गरीब व्यक्ति वो 1-2 लाख रुपए कैसे पा सकता है, तो ऐसी वहां पर अत्याचार हो रहा है। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो नगर परिषद की मनमानी है उसको रोका जावे, और जो बिरडी पंचायत, गोकुलपुरा पंचायत, जो पंचायत बनी हुई है उसमें सरपंच है, वार्ड पंच है, और नगर पालिका उसमें जबरदस्ती जमीन एक्वायर कर रही है, उसने एक्वायर करा है बिना पंचायत के एनओसी, नगर परिषद को वो जमीन एक्वायर कैसे होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो नगर परिषद ने जमीन एक्वायर की है उसको निरस्त किया जाए। उसके बाद सदर थाना के पास आदिवासी लोग बरसों से बैठे हुए, देश आजाद हुआ उसके पहले से, उसके 1-2 झोपड़े पहले गिरा दिए गए, अभी भी 20-25 मकान वहां पर बने हुए हैं, कच्चे मकान, केलुपोश मकान, तो उनको निशुल्क पट्टा दिया जाए, ये मेरी सरकार से मांग रहेगी। सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे सदर थाना के पास राणा पूंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए, ये पूरे आम जनता की मांग है, लोगों की मांग है, और तीजवड़ चौराहे पर राजा डूंगरिया भील की मूर्ति लगनी चाहिए, ये हमें आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा, सरकार से मांग करूंगा, ये दोनों मूर्तियां राणा पूंजा भील और डूंगरिया भील की मूर्ति लगनी चाहिए डूंगरपुर शहर में। सभापति महोदय जी, मांडवा ग्राम पंचायत में कालीबाई भील का पेरोनमा बना हुआ है, वो पंचायत में बना हुआ है पेरोनमा कालीबाई भील का, लेकिन नगर परिषद उसमें जबरदस्ती अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमाना चाह रही है, उसमें काम कराना चाह रही है। जब
वहां पर पंचायत है, उसके बाद भी नगर परिषद अतिक्रमण करना चाह रही है तो इसको रोका जावे। और नगर परिषद में जितने भी काम हुए हैं 5 साल में सभापति महोदय द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए। साबेला बाईपास पर रिंग वाल बनाई, गेप सागर तालाब पर अतिक्रमण करके जो अपने मिलने वाले थे तालाब को छोटा कर दिया, प्लॉट काट काट के सबको बेच दिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और 2 महीने में परकोटा गिर जाता है, रिंग वाल गिर जाती है, उसके पैसे भी उड़ जाते हैं, वापस दूसरी नई सैंक्शन करते हैं, वापस उसी जगह पर रिंग वाल बनाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, डूंगरपुर में जितनी भी लाइटें लग रही है वो लाइटें लग रही है मतलब कितना बिल है, क्या है बिल, वाउचर किसका है कोई पता ही नहीं है। वो निविदा, कोई निविदा नहीं है, अपनी मन मर्जी से जिसको टेंडर दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, डूंगरपुर में जितना भ्रष्टाचार हुआ है इतना राजस्थान में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, डूंगरपुर नगर परिषद की जांच होनी चाहिए, ऐसी भी जांच होनी चाहिए। और उन भ्रष्ट जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभापति हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। मुझे आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।